60 के दशक में आमतौर पर पनडुब्बियों का बदनाम हथियार टॉरपीडो पानी के अंदर चलने के लिए प्रोपेलर्स या पंप जेट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने एक ऐसा टॉरपीडो डेवलप किया जो कि रॉकेट इंजन द्वारा संचालित था और हैरतअंगेज रूप से इसकी मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर थी। जी हाँ गाइस, VA-111 शकवॉल नाम का ये टॉरपीडो अमेरिका के टॉरपीडो से 6 गुना अधिक तेज था, जो हाई स्पीड गेन करने के लिए सुपर कैविटेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता था, जिसमें टॉरपीडो अपनी नोज से गर्म रॉकेट फ्यूल रिलीज करता है जो बाहर निकलते ही सामने के पानी को भाप में बदल देता है, और टॉरपीडो के आगे बढ़ने के साथ उसके चारों तरफ गैस की एक पतली लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे वेपन को बहुत कम ड्रैग का सामना करना पड़ता है, और टॉरपीडो इस गैस बबल के कारण 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड गेन कर लेता है। इसके अलावा इसकी रेंज 11 से 15 किलोमीटर है, जो 210 किलोमीटर तक के कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव या न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है,